हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब मैं आपको दिखाऊंगा क्लास टेंथ राजस्थान टॉपर एसएसटी की कॉपी। राजस्थान टॉपर की एसएसटी की कॉपी है, ठीक है। ये बोर्ड की परीक्षा की मतलब ओरिजिनल कॉपी है। तो इसको देखो और आपको अनुमान लगाना है कि हमें कैसे आंसर लिखने हैं और कैसे आंसर नहीं लिखने। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, तो ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था, हर कॉपी में 24 पेजेज होते हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या भरना होता है। पहले तो रोल नंबर भरना पड़ेगा अपना डिजिट्स में, फिर यहाँ रोल नंबर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ रोल नंबर हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको, जो भी रोल नंबर आएगा। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, डेट लिखनी है और दिन लिखना है कौन से दिन आप पेपर दे रहे हो। तीन चार चीज़ें हो गई। अब इसके बाद कॉपी स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखना ये कॉपी मैं अभी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, तो आपको जस्ट एक आइडिया लेना कैसे कैसे आंसर लिखने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वे ऑफ राइटिंग, आपको सीखनी क्या है, किस प्रकार हमें आंसर लिखने हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे चीज़ों को अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से आप चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो। और क्वेश्चंस कोशिश करनी है हमें कैसे करने, सीरीज से करने, ताकि आप अपने अच्छे नंबर आ सकें। और नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाऊँगा। हेडिंग आप बिल्कुल ब्लैक पेन से डाल सकते हो, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालोगे बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। पर पूरा पेपर ब्लैक पेन से मत करना, बीच बीच में चीज़ों को आप अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से बिल्कुल आप अंडरलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने शानदार आंसर लिखे हुए हैं। जहाँ पे जैसे यहाँ पे डिमांड ड्राइवर इन्फ्लेशन हेडिंग डाली, फिर इसको पेपर पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, पेपर पॉइंट वाइज दोनों तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के चीज़ ये कि आपको हेडिंग डालनी है और फिर आंसर स्टार्ट करने हैं, हेडिंग डालनी है फिर आंसर स्टार्ट करने हैं, क्रम से ही करने, कोशिश करने क्रम से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें को ऑब्वियसली आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। डबल अंडरलाइन कर दो, इन्वर्टेड कॉमा लिख दो। बड़े बड़े थोड़े आंसर हैं तो उनको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो कितने प्यारे प्यारे आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखे हुए आंसर, तो ऐसे लिखने हैं आपको। और यहाँ पर चीज़ों को जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, स्टार लगा के भी दिखा सकते हो, मर्जी आपकी, जैसे दिखाना चाहो वैसे दिखा दो, ठीक है। कि महाराणा प्रताप के पास कौन कौन से, मतलब कितनी बार उन्होंने कैंपेन भेजे थे अकबर ने, और ख़ास ही चीज़ें तो उनको अंडरलाइन, डेट वेट है, अगर आप डेट लिखना चाहो तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो देखो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, थोड़ा सा ही है, एक पेज में कर देना है। चार चार नंबर के अगर आते हैं तो नेशनलिज्म के रीजन चार एक्सप्लेन करके बता रहा है, ये भी एक पेज में कर सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन 23। ये स्वदेशी वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखना कितना सा लिखा है, ज़्यादा नहीं है, आराम से आधे पेज में, आधे पेज से ज़्यादा हम कर सकते हो। डिफरेंस है तो उसको टेबल बना के ऐसे लिखना है आपको डिफरेंस को। यहाँ पर मैप है, मैप में देख लो कैसे बन रखे हैं, तो दिल्ली की पोजीशन बन रखी है, आगरा कहीं भी देखो, अब यूपी में, अब आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं कहाँ है, तो यूपी में कहीं भी टिक लगा दो आगरा, ठीक है। सिक्किम आपको पता ही है, और अहमदाबाद ये गुजरात में कहीं पर भी टिक लगा दो, दादरा नगर हवेली यहाँ पर है, ठीक है, ये टिक लगा दिया। तो मैप में आपको जो चीज़ पूछी है इसको टिक लगा देना है, और यही है। देखो खास बात ये कि आपने जो भी चीज़ इन्होंने बता रखी है तो अंडरलाइन कर रखी है, हेडिंग डाल रखी है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल रखी है, ईयर लिख रखी है, और कोई ट्रीटी व्रीटी साइन हुई तो उसको भी देखो अंडरलाइन कर रखा है। मेन मेन चीज़ें अंडरलाइन करनी है, खास बात यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ज़्यादा बड़े आंसर भी नहीं लिखने आपको, और दे भी नहीं रखे, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है ये देखो। हाँ ये आपके हो गए 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शन, तो हेडिंग डालनी है, दो तीन पॉइंट लिखने, फिर हेडिंग डालनी है, फिर दो तीन पॉइंट लिखने,
फिर से हेडिंग, फिर दो तीन पॉइंट, फिर से हेडिंग, दो तीन पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें नोट्स में मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आपको बता ही रखा है कैसे हेडिंग डाल के लिखना है। यही है बेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल। और अब आपका क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जजेज के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वालिफिकेशन। फिर 3 नंबर का ये एक और दे रखा है, इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या कर रखा है। और यहाँ पर फाइनली दी एंड हो चुका है। तो ये रहा आपका SST की बोर्ड के टॉपर की कॉपी। तो आप भी ऐसे ही इनमें से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, इनको मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मुझे बस एक बार आपको दिखाना था कैसी होती है बोर्ड की कॉपी और कैसे हमें लिखना होता है। बस देख रहे हो कितनी सुंदर था, काटा पीटी बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।